हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेटीसा कैसे निकालते हैं टेबल की मदद से, वो हम निकालना सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस 1 का थर्ड पार्ट है 0.00032। अब इसमें हमने करेक्टरिस्टिक जब निकालना है तो जो डेसिमल पॉइंट है नुकता इशारिया, उसको हमने बाएँ से दाएँ तरफ लाना है सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए। वो क्या होता है, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। कितने दर्जे का मूव किया है, 4। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -4 है। इसको मैं इस तरह लिखना है, 4 के ऊपर माइनस का साइन, ठीक है। और जो मल्टीसा है वो 32, दो जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं अहम इनसे, उनको हमने आगे तीसरा डिजिट मालूम नहीं है, तो इसको हमें स्किप कर देना है सब जीरो को। तो आगे जो एक जीरो जिसका कोई नहीं था, उसको जीरो वाले कॉलम में देखेंगे। तो 29 जो 32 है उसके जीरो वाले कॉलम में 50 51, ये हमारा क्या आ गया, मल्टीसा। और साथ इशारिया जोड़ लगाना है ताकि करेक्टरिस्टिक को मल्टीसा को अलग अलग किया जा सके। अब लॉग 0.00032 का जो आंसर है वो आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा, ठीक है, 4 -4.5051। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट 0.3206। अब इधर 4 जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब इशारे को हमने एक दर्जा इधर मूव करना है ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाए 10 पावर -1। तो ये जो -1 है इसको मैं करेक्टरिस्टिक्स बोलता हूँ, जो 10 की पावर है, तो 1 के ऊपर आ गया पावर माइनस, इस तरह लिखेंगे। मल्टीसा जो है उसको हमने 32 जो है इसको जीरो वाले कॉलम में देखा 50 51, और आ गया 6, तो 6 वाले टेबल में देखा फर्क वाले टेबल में, मीन डिफरेंस टेबल में, वो आ गया 8। तो 50 51 में 8 को प्लस करेंगे तो 50 59 पॉइंट क्या आ गया मल्टीसा को जाहिर करने के लिए 0.5059। तो जो लॉग लेंगे 0.3206 वो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मल्टीसा 1 -0.5059। ये हमारा आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ लॉग ये हमें गिवन है कि 31.09 इक्वल है 1.4926, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, और ये पॉइंट के आगे जो है वो मल्टीसा। पॉइंट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, अब ये चार हमें दी गई है वैल्यू, इनकी वैल्यू निकाल लें चार टर्मों की। लॉग 3.109 की जो करेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये पहले ही इसको कहीं भी मूव नहीं करना, ये अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि इसका जो साइड फिगर है वो 10 की पावर 0। तो ये जो जीरो है इसका आ गया करेक्टरिस्टिक। अब जो मल्टीसा है वो हमें गिवन है, वो मैंने इधर से लिख लिया इस क्वेश्चन से 0.4926। तो जो लॉग होगा वो इन दोनों को प्लस करके, जीरो को इसमें प्लस किया तो 0.4926, ठीक है। लॉग 3109.9 करेक्टरिस्टिक्स इसका आएगा 3.109 10 की पावर 2। इसको 2 पॉइंट पीछे हमने शिफ्ट किया, जो इसकी पावर है 10 की, ये है करेक्टरिस्टिक, ये 2 आ गया। मल्टीसा में गिवन है 0.4926, लॉग 3109 जो आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स को प्लस करेंगे मल्टीसा में, 2.4926 आंसर आ गया। तो ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट लॉग 0.003109, इसको जब हम लिखेंगे साइंटिफिक में तो 3.109 पे 10 की पावर -3। तो ये जो -3 है इसका है करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि 3 पॉइंट हमने इशारे को आगे मूव किया है, तो ये इसको इस तरह लिखेगा करेक्टरिस्टिक्स, उसके ऊपर माइनस का साइन लिखे। मल्टीसा जो है वो हमें गिवन है 0.4926, तो लॉग जब लेंगे इस रकम का तो वो इक्वल आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स को मल्टीसा में प्लस करके -3.4926, ये हमारा आंसर। लॉग 0.3109 इसको साइंटिफिक में लिखेंगे 3.109 × 10 की पावर -1, तो ये -1 जो है इतने दर्जे पॉइंट हमने आगे शिफ्ट किया, तो ये इसको आगे करेक्टरिस्टिक्स। और मल्टीसा जो है वो हमें गिवन है 0.4926, तो लॉग 0.3109 जो उसका आंसर है वो करेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा को प्लस करके -1.4926, ये हमारा आज का लेक्चर। ओके गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल वर्ल्ड मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।